नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा, अभी हम मौजूद हैं फेफना विधानसभा के सुजायत ग्राम पंचायत में, और यहाँ की कुछ आम जनता है, उनसे हम लोग बात करेंगे कि इन लोगों की क्या समस्या है, वर्तमान जो सरकार है उनसे खुश है या नहीं है। क्या नाम हुआ चाची? रीता। की समस्या है सबके? समस्या घर द्वार के कुछ नहीं के, टाटी मारे के घर द्वार बाहर चल के देख, घर का पैसा नहीं मिला हुआ? नहीं, कुछ नहीं। प्रधान जी से मिलते है कि नहीं मिलते है? कुछ नहीं खे, राशन के सेवा कुछ नहीं मिलते। प्रधान जी क्या कहे? प्रधान जी कहलन कि तहनी के घर द्वार सब बाटे। प्रधान जी कहला कि सब घर द्वार बाटे। खाली हो करेला। क्या नाम हुआ चाची आपको? तारा। की समस्या है? अरे वो परेशानी बजे चल के घर द्वार देख ले जका, ओमे चोरावे के बा, टाटी पर मड़ई पर कुल कराइन बा के कहियो नहीं के, इहो बात बा। योगी जी तो कहत बानी कि बहुते के घर दे देली। दे देले बना तो जके देले बना, योगी जी या जोगी जी वो के देले बना, घर देले बना, बाकी हमनी के नहीं के मिला। हमनी के कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं आप? योगी जी घर दिए हैं लेकिन सुविधा यहाँ नहीं मिला है उसको, उसको सुविधा नहीं मिला। आप चलिए यहाँ से देख लीजिए इस तरह, वहाँ से चलिए, आप लाइव टेलीकास्ट दिखाइए वहाँ से, तो पता चलेगा ये जितने लोग किसी का घर है इसमें। खाली एक के पास घर नहीं, नहीं खाली एक प्रधान का मोहल्ला उधर है, जो भी कार्य हो रहा है मोदी जी का, उपेंद्र तर जो विधायक है जाकर देखिए उधर, अच्छे से ढलाई सब उधर हो रहा है, सब उधर करा रहे हैं विधायक जी और प्रधान जी की तरफ हो रहा है। हाँ उधर ही हो रहा है, इधर कुछ नहीं हो रहा है। आपके गाँव में नहीं हो रहा? कहाँ क्या हो रहा है बता दे, दिखा दीजिए क्या हुआ है। प्रधान जी से मिलते है कि नहीं मिलते? प्रधान जी हर वक्त प्रधान जाते हैं, प्रधान जाते हैं, राशन के सिवा यहाँ के जनता को कुछ नहीं मिलती है, इस मोहल्ले की जनता को कुछ नहीं मिलती है राशन के सिवा। कोई सुविधा हो, कोई सुविधा अगर प्रधान का हुआ है तो दिखा दीजिए। एक लाइट लगवाए हैं, ये लाइट लगवाए हैं, लाइट लगवाए हैं, बाकी जितना भी आवास आया है इधर एक भी आवास नहीं है, सारे उनके उनके मोहल्ला में जाकर देख लीजिए आप कितना अपने मोहल्ला। शिकायत आप लोग ब्लॉक या जिला में किए? किससे करेंगे आप? वीडियो है, डीएम है। वीडियो डीएम का उनके यहाँ आते तो वीडियो डीएम नहीं देखते हैं? सब उनके यहाँ आते लेकिन काम नहीं होता है। क्या वहीं से आगे नहीं जाते हैं सब वहीं से आगे? इसके अलावा अभी सुनिए, अभी मंत्री जी यहाँ पे एक मरे थे, कोयली भाई हमारे यहाँ पे, इसी रास्ते से आए थे मंत्री जी, इसी रास्ते से। मंत्री जी को दिखाई नहीं दिया इधर? मंत्री जी को दिखाई दिया कि नहीं दिया इधर? इसी रास्ते से मंत्री जी आए थे, जो मंत्री जी का रोड बना हुआ है इधर, जाकर देख लीजिए अभी आप जाइए अभी, इसी साल मंत्री जी के घर के रास्ते बना हुआ है। मंत्री जी यहाँ का नहीं है, मंत्री जी का क्षेत्र है ये, इसी रास्ते से मंत्री जी आया, उन्होंने का भी दिया हुआ, इसी साल पिच हुआ है रोड, इस रोड का रास्ता जाकर देख लीजिए आप, इसी रोड से जाइए आप, जाकर देख लीजिए, इसी रास्ते से आया, यही बगल में कोई भाई हमारे मरे थे। मंत्री योगी जी तो बड़े दावे कर रहे कि मैंने, योगी जी दावे कर रहे हैं, योगी जी का काम हो रहा है, योगी जी काम भी दिए हैं, लेकिन यहाँ जो हम लोग को मोहल्ला है, विधायक तो उन्हीं का है ना, विधायक उन्हीं का, मैं तो बोला हूँ कि मंत्री जी हैं, लेकिन मंत्री जी खाली व्यक्तिगत प्रधान के कहने पर प्रधान के टोला में दे रहे हैं सब। अपने विधायक के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? क्या क्या करेंगे, आएंगे तो उस समय पता चलेगा मंत्री जी को, मंत्री जी को जब वोट आएगा तो पता चलेगा कि कितना उनको दिलवा रहे हैं मुनीब राजभर, उनको वोट दिलवा रहे हैं कितना, मतलब विधायक जी का पता हाँ। साफ होगा विधायक जी का, हम लोग यहाँ विधायक जी से हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे भाई, जिसको करना वो करेगा, हम नहीं करेंगे। योगी जी को सपोर्ट होगा विधायक जी को नहीं? नहीं, अगर दूसरा कोई आएगा तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, इनको हम नहीं करेंगे। और भी कुछ लोग हमसे भी बात करते हैं, क्या नाम हुआ चाची? पार्वती। की समस्या है यहाँ के? वो बा कि भैंस गोरु रखा था तो वही चूल्हे न राखी पाती धरा था, रोड का नहीं हुआ, इन्हीं का रोड बना यहाँ पे, हम लोग को खेत बोया, वो खेत मिट्टी कटवाए हैं, वो बोया वो खेत का मिट्टी कटवाए, जो कि ये नियम नहीं है, मिट्टी कटवा के सड़क बनवाए, हाँ जो कि ये नियम नहीं है, अभी बहुत मिट्टी खेत का भरा हुआ नहीं है, इसके खिलाफ आप लोग कुछ कहे क्यों नहीं बोले? बोले के आया है सड़क का जेई भी आया होगा ना, सब आए थे, सब देखे, फिर भी काम हो गया, हाँ सबको कटवा के, हमारा खुद 4 बीघा खेत बोया हुआ कटवाए हैं मंत्री जी, मंत्री जी के जो ठेकेदार हैं कटवाए। देखिए स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश काफी ज्यादा है, ये लोग योगी जी से नाराज नहीं है लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ ये लोग अपना नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अगर भाजपा यहाँ से दूसरे कैंडिडेट को उम्मीदवार नहीं बनाते तो ये लोग किसी अन्य पार्टी को अपना वोट दे देंगे। और भी कुछ वृद्ध है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा? राम प्रकाश। वृद्धा पेंशन मिली है कि नहीं? वृद्धा पेंशन नहीं, कितने उम्र हुई तो? 60। और कुछ लाभ सरकारी? कुछ ना, वो खाली राशन मिलेगा, राशन मिलेगा, आवास कुछ ना, शौचालय का पैसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली राशन छोड़ के कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या कीजिएगा इस बार विधानसभा चुनाव में? कहा करिए, अब जैसे आई हो समझा कर लिए माहौल, 2 मिनट तो लगेगा, घूम के खाली दिखा दीजिए। यहाँ की ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, यहाँ के ग्राउंड जीरो से हम दिखलाते हैं।
यहाँ के ग्रामीणों की इतनी नाराजगी है कि ये लोग ग्राउंड जीरो पे हमें अपना घर दिखलाने के लिए ले आए हैं। देखिए ये घर है जो फूस का घर बना हुआ है, लेकिन यहाँ के प्रधान है, विधायक है, कहते हैं कि आपका घर पक्का का है और आपको पैसा नहीं मिलेगा। कई दर्जनों की संख्या में यहाँ महिला एवं पुरुष है, उन लोगों का साफ साफ कहना है कि हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है, सिर्फ जो प्रधानमंत्री का अन्न योजना है, अंत्योदय योजना के तहत राशन मिलता है, लेकिन न आवास मिलता है, न शौचालय का पैसा मिलता है। देखिए नाला की भी स्थिति ऐसी है कि नाला तो बना दिया गया है, लेकिन साफ सफाई की कहीं व्यवस्था नहीं है, इससे जल का निकासी कैसे होगा? और इसके ऊपर जो ढक्कन होने चाहिए थे नाला को ढकने के लिए, ढक्कन भी नहीं है। इसमें अगर कोई बच्चे गिर जाएंगे तो उसकी हालत क्या होगी? अगर एक दो साल के बच्चे इसमें अगर गिर जाते हैं तो उनकी मौत भी हो सकती है, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ की भाजपा सरकार या यहाँ के जो भाजपा के विधायक हैं वो, या इस ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं? लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। और यूपी में जो सरकार है योगी जी की, बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैंने इतना विकास किया, लेकिन यहाँ की जनता योगी जी से नाराज है। क्या कीजिएगा इस बार चुनाव में? हम ये कुछ ना करेंगे। किनको वोट दीजिएगा? कुछ केहू के ना। केहू के वोट ना दीजिए? काहे ना दीजिएगा? नहीं देंगे। इसी घर लौकेगा तो वो किसे वोट देंगे? विधायक जी वोट मांगने आएंगे तो क्या कहिएगा? घर तब वोट? हाँ बस सिर्फ ये कुछ क्या कर रहे बाबा? और नहीं घर उठ जाए तो हम कभी नहीं करी कि वोटे ना दे जा। अखिलेश के सरकार बढ़िया रहे कि योगी के? नहीं के बा योगी के बढ़िया। हाँ अखिलेश के ना? अखिलेश के ना। केकरा के वोट देबो फिर से? हैं अखिलेश के वोट देबो कि योगी के? ए योगी के जी। योगी के वोट देबो? हां चलिए। काम तो कुछ कइले ही नहीं खेबारे। हां तो नहींखन कइले तो हमरो घर चली देख ले। हां देश में बान ना? देश में बारो का बारो? मंत्री बा हमन के विधायक ने जानते हैं जा। तो विधायक जी काम नहीं करत? करते बान करते तबे ना चढ़वा के दिखावे के ले चलते नी। अच्छा का दिखाई? दिखाई के हमन के इतना दिन हो गेला उठल कुछ है ना? कुछ मिलता? अरे आवास नहीं मिला, राशन के अलावा कुछ नहीं मिलता आप लोग को? ना तो वोट काहे दीजिएगा योगी जी? चलिए अब सब देखल जाए। क्या काम किए योगी जी आपके लिए जो योगी जी को वोट कीजिएगा? जय जंग के कुछ सुखी हमन के होखत? अब देखिए हमन के मैं वही गुना परल बा। पैसा नहीं मिला आपको आवास का? ना का कहते प्रधान जी? प्रधान जी कहलन के हां खाली कहल हां कहले, लेकिन पैसा नहीं के मिलत? कितना दिन से प्रधान जी बारे? अरे दूसरा एतु हो, दूसरा पांच वर्ष हो। लेकिन प्रधानमंत्री आवास हो या शौचालय हो पैसा नहीं के मिलत? लेकिन ये कुल घर है। देखिए करीब चारों तरफ जो है कहीं पक्के मकान है, कच्चे मकान भी है, लेकिन देखिए इस तरफ जो पूरा कच्चे मकान है, लेकिन इन लोगों को जो है आवास का पैसा जो है नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2022 तक हम लोग पूरे भारत में सभी को पक्का मकान दे देंगे, लेकिन 2022 का आज 3 दिन बाद 2022 आने को है, लेकिन ये जो फूस के घर है कब पक्के में परिवर्तन होगा? क्या 3 दिन में डिजिटल तरीके से इनको परिवर्तन करके पक्के का मकान बना दिया जाएगा? बड़ा सवाल है। क्या कर रहे हैं चाची? मैंने कहा था नहीं कि वो बूढ़ बान उनका कि आज ले पेंशन ना मिला, वृद्धा पेंशन नहीं मिला, वो बैठल बना देखे। अंदर आइए चाचा। क्या क्या नाम हो चाचा? राम बच्चन। आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? न तो किन्हीं से मिले कि प्रधान जी से? अरे प्रधान जी तो कहने से करो। प्रधान जी का कहता रहे? कोहत का बान कोहत के भाई ये बाटे बनावे वाला बनौते नहीं थे। योगी जी के सरकार से खुश बानी? अखिलेश के वोट करीब की योगी जी के? अब देखी समय आई तब देखल जाई। अब हाँ
काम क्या अच्छा कर ले योगी की अखिलेश काम अब केहू कुछ नहीं कहले अखिलेशो ना कहले रहे ना योगी कुछ ना यह राशन तो मिलत राशन मिलत आवास के पैसा नहीं के मिलत ना वृद्धो पेंशन नहीं के मिलत ना कितना उम्र होते बाबा कि बुनी पर दबे हां रहेगा सर नो 60 से ऊपर होते 60 70 के बीच में है ना हां देखिए बाबा का उम्र करीब 60 से 70 साल है लेकिन इनको वृद्धा पेंशन का भी पैसा नहीं मिलता है क्या कर रहे थे आप किनको वोट नहीं दीजिएगा अरे वोट हमन के का दे जा सरकार हमन के जैसे झोपड़िए में बानी जत अखिलेश के सरकार बढ़िया रहे कि योगी के अरे अखिलेश के तो सरकार बढ़िए बा लेकिन करत कुछ नहीं खान अभी योगी जी है हां तो कुछ केहू नहीं के करत हमन के जननी आपको भी आवास का पैसा ना कुछ नहीं के मिलल देखिए ग्रामीणों की जहां तक हम बात करें जितने भी ग्रामीण हमें मिले अभी तक किन्हीं को आवास का पैसा नहीं मिला शौचालय का पैसा नहीं सिर्फ और सिर्फ राशन दिए जाते हैं राशन पहले से मिल रहा है या कोरोना के बाद से अरे करूँ पहले ही से मिला था कोरोना के बदले से नहीं मिलत पहले हूँ से मान ली की मिला था वो 4 किलो मिला था 4 किलो हाँ कहा है 5 किलो कहीं नहीं मिलता अब कहा जाने कहे नहीं मिलत 4 किलो राशन मिला था नीट पर देखिए अभी तक हमारी टीम जो बिहार में सिर्फ दिखा रही थी कि 5 किलो के बदले 4 किलो ही अनाज दिया जाता लेकिन हकीकत ये है कि यूपी में भी वही नियम है 5 किलो नहीं मिलके 4 किलो राशन दिया जाता है यहाँ के ग्रामीणों की समस्या अत्यधिक है सब आपस में ही आवाज कर रहे हैं कि सरकार जो है निकम्मी सरकार है और इन लोगों को किसी भी प्रकार का योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है देखिए ग्रामीणों को अपने प्रधान और विधायक के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग को जो अपना घर दिखा रहे हैं यही घर है आपका आपका क्या नाम बोले थे ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव जी घर के लिए प्रधान से मिलने गए हैं नहीं कोई अली मिले गोइल बन गए क्या कहत है प्रधान रमौती के नाम से बोले थे कि आवास आए हैं साल भर हो गया अच्छा काहे ना मिला था कुछ नहीं कुछ पैसा भी मांगा था नहीं पैसा भी कुछ के चर्चा नहीं है चर्चा ही नहीं है नहीं प्रधान जी से मिलने वाली कि ना मिलने वाली यहाँ के विधायक जी से विधायक जी से तो नहीं की मिला विधायक जी के हो विधायक जी के देखिए विधायक जी यहाँ आते ही नहीं होंगे हकीकत ये है कि इसलिए ये लोग नाम भी नहीं जानते विधायक क्या कहते हैं जब विधायक जी जाए तबे ना जानेंगे कि विधायक के बाटे हकीकत यही है देखिए हकीकत ये है कि विधायक जी 5 साल चुनाव में वोट मांग के जीत के चुनाव चले जाते हैं और 5 साल तक दिखाई नहीं देते इसलिए इन लोगों को नाम तक पता नहीं है विधायक का नाम है ना के हा विधायक के बा का उपेंद्र तिवारी जब लगे हैं तबे उनका के बताइब जा बगल से कोई बोले उपेंद्र तिवारी शायद उपेंद्र तिवारी फेफना विधानसभा के बीजेपी के विधायक है उपेंद्र तिवारी लेकिन इन लोगों की जो समस्या राज्य में बीजेपी की सरकार है केंद्र में बीजेपी की सरकार है यहाँ के स्थानीय विधायक बीजेपी के साथ में मंत्री भी है लेकिन यहाँ की समस्या ऐसी है कि किन्हीं को आवास नहीं मिला है किन्हीं को शौचालय का पैसा नहीं मिला है 60 से 70 साल के वृद्ध हैं लेकिन उन लोगों को वृद्धा पेंशन की राशि नहीं मिल रही है नाला जो बना दिए गए हैं उसके ऊपर ढक्कन नहीं है नाले की सफाई नहीं है कौन करेगा काम योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में मैंने इतना विकास कर दिया लेकिन विकास की जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है मुकेश राजभर नाम है क्या क्या समस्या है समस्या ये है कि आवास भी हम लोग को बार फार्म भरे नहीं मिला आवास नहीं मिला नहीं क्या कहते हैं प्रधान जी प्रधान जी कह रहे हैं कि फार्म भरो फार्म भरा रहा है या कुछ मिल नहीं रहा है फार्म कितना बार भरे हैं आप 6 बार भरे हैं 6 बार लेकिन कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं किसी पदाधिकारी के पास गए या नहीं नहीं किसी के पास नहीं प्रधान जो यहाँ का है वो उन्हीं के पास प्रधान कौन है यहाँ के मनी राजभर है मनी विधायक जी आते हैं कि नहीं सो कहिए विधायक जी गांव में कभी नहीं आए जीत कर गए तब से कभी आए झांकबे नहीं किए जब अखिलेश की सरकार थी तब आप लोगों की काम होती थी कि नहीं उनका भी सरकार में कुछ नहीं सुविधा मिला इनका भी सरकार में कुछ सुविधा नहीं क्या कीजिएगा आप लोग इस बार चुनाव है चुनाव है तो देखेंगे उसका बाद क्या हो रहा है किनको लग रहा है कौन अच्छा कैंडिडेट हो सकता है कैंडिडेट जो काम कराएगा उसको दिया जाएगा चुनाव के समय तो वादे करेंगे और काम नहीं करते हैं उपेंद्र तिवारी जी भी आपसे पहले वादे किए होंगे ना वादा तो ये काम करूंगा वादा तो बहुत किए हैं लेकिन काम नहीं किए काम कुछ नहीं किए ये तो वादा किए कि बिजली लगावा दिए उसका बाद बोल रहे हैं तो फ्री में कनेक्शन लगा आप लोगों को ये 18 में लगा है मीटर बैठा है 2018 में पोल कब लगे थे पोल तो ये पहले का हम लोग से पहले का है ये
बिजली उस समय मिलता था कि नहीं आप लोग? बिजली मिलता था मगर इतना नहीं मिलता था, 24 घंटा के लिए अलाउ था, नहीं मिल रहा था 24। अभी कितना देर मिलता है? अभी यही 16-17 घंटा मिलता है। लेकिन योगी जी तो कहते 24 घंटा यूपी में। 24 घंटा कहाँ मिलता है, वो बोलने के तो बहुत कुछ बोलते हैं। अब बिल बिल का भी हर महीने के बोल रहे हैं कि हर महीने में उठ होगा, और इसमें का बिल आता है आप लोगों? 400-500 महीने का बिल आता है। कितना बोल यूज करते हैं 400-500? ये दो बोल बल्ब जल रहा है, यही घर है? हाँ यही घर। इस घर को देख के तो ये नहीं लगता कि 400-500 का बिजली खपत इस घर के अंदर होता होगा। क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। क्या क्या समस्या है? हमनी के समस्या कि नल देखता बनी आवास मिलते नहीं के, कौन सरकारी योजना होता था हमने के क्यों मिलते नहीं के, राशन मिला था तो वो यूनिट पर 1-2 किलो कटिए लेता रंजा कोटेदार। कार्ड में कितना आदमी का नाम है? 7 आदमी का है। और कितना मिलता है? 35 किलो मिलना चाहिए, 33-34 किलो मिलता है बस। 35 किलो मिलना चाहिए और आदमी पे 1 किलो काटता है, यानी कि 28 किलो मिलता है। हाँ, 1 किलो नहीं मतलब 7 यूनिट पे 1-2 किलो काट लेना अपन गाड़ी भाड़ा को है ना, खुशी से आदमी दे देना। टोटलिंग में 1-2 किलो काट। हाँ, और हमने के क्यों नो सुख सुविधा सरकारी नहीं मिला, सरकार के द्वारा कोई भी लाभ कुछ नहीं ना, बस राशन के सिवा कुछ नहीं। आवास का पैसा भी नहीं मिला, शौचालय का भी पैसा नहीं मिला ना। यहाँ के स्थानीय प्रधान जी होंगे, विधायक जी होंगे, क्या कहते हैं आप लोग को? का मुनिबे प्रधान को आदमी जला, अब वो कहने की ठीक है मिली फार्म भरा भरा ना भेजल जला भरल जला कुछ देवे ना कर ना। अखिलेश की सरकार अच्छी थी या योगी जी की? योगी जी के अब सब तो ठीक है भाई, जब वोटवा आवा था तो सब आवा था, जब वोटवा भी तो जाता था कुल सब भूला जाता तो के वोट देवल सभी आते हैं लेकिन उसके बाद नहीं आते ना, सब भूला जाला, प्रधान खुद भूला जाना, प्रधान फिर भी वोट हो जाए ना तो हमने के द्वार झाके ना आई उनके के करे घर का समस्या बा तो का जानल जा का सबके वोट देवल जा का के लोग का साफ साफ पूरे पंचायत में जहाँ तक हम घूमे हैं सभी की एक ही समस्या है कि अनाज के अलावा इन लोगों को न तो आवास का पैसा मिलता है, बिजली भी छोटे छोटे घरों में 500 तक के बिल आ जाते हैं, नाले की भी समस्या है। देखिए पोल भी जर्जर ही है, मकान में तार बंधे हुए हैं, उसमें अगर किसी बच्चे को करंट लग जाए तो उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन यहाँ के जो जेई होंगे बिजली विभाग के, उनका भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। और योगी जी यूपी में विकास के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे